हाँ, वेलकम बैक टू FSA एंटरटेनमेंट। हम आरिफ भाई कुरला, हाँ उनके बकरों का पलाई रिजल्ट बता रहे हैं जो जैन गावड़े के YAGF या 3 सैग्रेन गोट फार्म पर है। चार बकरे हैं, 3 गुजरी है, एक वो अंडुल है, एक ये बहुत 43 हाइट का टॉल खसी गुजरी है जो अभी अभी फालिश से रिकवर हुआ है, और ये अंडुल है खसी गुजरी, और ये सोजत। लेट्स टॉक अबाउट ये फालिश वाले के बारे में। आप यहाँ पे लेके आओगे जैन भाई? लाइट आ रही है, ठीक। जैन भाई, कौन से पैर में इसको फालिश आई थी? ये पीछे के लेफ्ट पाँव। फालिश एज इन पैरालिसिस अटैक? हाँ। और व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, क्यों आती है बकरों को? रीजन तो पता नहीं फाद भाई, लेकिन वो आती है चेंज इन वेदर के, क्योंकि अभी जैसा आज अपन देखे दोपहर में बहुत गर्म है और शाम में 6-7 बजे के बाद बहुत ज़्यादा ठंडी भी है। अच्छा, तो क्लाइमेटिक चेंज के वजह से बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती। ओके, तो ये कितने महीने पहले आया था और आने के बाद फालिश आई थी कि आते बराबर या आने से पहले फालिश में ही था? नहीं, आने के बाद था, 2 महीना था, फिर बाद में फालिश आई। ओके, और कहाँ से आई? ये पीछे के बैक, पीछे के लेफ्ट। अजेंदा, एक सवाल है कि जनरली सब फार्म के लिए है, आपका स्टाफ तो एक सर्टेन टाइम पे सो जाता है, बराबर, बकरों को भी रात में भी तबीयत खराब हो जाती होगी। हाँ, सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, आई मीन कौन अटेंड करता है बकरों को? बकरे इंसानों जैसे बोल तो नहीं सकते चिल्ला के कि भाई मेरे पास आओ, मेरा पेट अगर दर्द रहता है तो बकरा दर्द में चिल्लाता है। हाँ, तो स्टाफ तो मेरे बाहर ही पैसेज में ही यहीं सोते हैं, तो हाँ तो ज्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ देखते हैं वैसा। सिर्फ वो हार्ट अटैक के टाइम पे बकरा चिल्लाता है, कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते। और फालिश के वक्त कुछ होता है, ऐसे सिम्टम्स वगैरह बताता है बकरा? नहीं, पहले तो नहीं बताता है ऐसा ये, लेकिन ये हैवी बकरों में ही ज्यादा आता है। हाउ डू यू नो कि फालिश आने वाली है, सडनली हो जाता है ऐसे? नहीं, क्लाइमेटिक चेंज के वजह से ही होता है। नहीं, कैसे यानी, कोई सिम्टम्स बताता होगा कि बकरा बैठा ही है, उठ नहीं रहा है? हाँ, ये रात में इसको फालिश मारा था, जब मेरा स्टाफ सवेरे 7:30 बजे गए बाड़े में, तभी देखा तो ये बैठा ही था। ओके, ओके, तो रात में इसको फालिश मारी थी। ठीक है, और अभी ठीक हो गया है? हाँ, अभी ठीक हो गया। कितना महीना लगा? 19-20 है, ज्यादा नहीं है। कितना महीना लगा ट्रीटमेंट के लिए? इसको 1 महीना लगा। 1 महीना लगा, 1 से 1.5 महीना लगा। तो जब से आया था तब से अभी तक के वजन तोड़ा है, रिवर्स गया है? ये मेरे पास है ना, 92 kg पे आया था, 2 महीने में 104 किलो पे गया था, लेकिन फालिश के वजह से वो 104 से 92 पे गया था, और अभी 92 से मैंने रिसेंटली कल चेक किया था, 99 पे गया है। फिर गया है ना, 92 से 99-98 गया। लेके चले, इसको डाल दे, अभी देख लेते। उसको भी लेके आइए, दूसरा वाला जो गुजरी है, और ये वाला जैन भाई। हाँ, ये घोड़े जैसा, आप बकरे के वजन रहे? ये 78 kg पे आया था। क्या बकरा है ना, माशाल्लाह। हाँ, बहुत बढ़िया। ये दोनों जोड़ी थी, आई थिंक। ये कितने हाइट पे है? 43। ये 43, और ये वाला भी उतना ही होगा, 42 रहेगा। ये 42 पूरे दांत पे, 6 दांत होंगे शायद से, पूरे दांत की है। आइए, उसको भी लेके आइए, और वो वाला भी लेके आ बेटा, ले गया। सबसे खूबसूरत बकरा है ये, माशाल्लाह, मस्त है एकदम, बहुत खूबसूरत, उसकी ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे ये देख, ये भी आ गया रस्सी तोड़ के, शैतान देख, रस्सी तोड़ के भाग रहा है। रस्सी भी आप नारियल रस्सी बांधते हो ना? हा? नारियल की सुतली बांधोगे तो तोड़ेगा ना जैन भाई? नारियल की रस्सी कपड़े का था वो। हाँ। क्या है तो नारियल की सुतली थी वो। नहीं नहीं नहीं, चलिए डालिए उसको, डालिए। जैन भाई, 95 kg, 4 किलो कैसे कम हो गया एक दिन में? कल रात में आपने 99 kg इसको तोला था ना? इसको नहीं, ये 96 था। अच्छा, ये दूसरा वाला, ओके ओके ओके। तो ये 92 पे आया था, 104 पे गया। ये नहीं, तो ये फालिश, अच्छा, ये फालिश वाला है, ये दूसरा वाला। अच्छा, इसको डाल दिया, इसका बताइए, दोनों सेम। रुक जाओ, इसको डाल, सॉरी, इसका एक मिनट, ये 95 पे अभी है। हाँ, ये 78 kg पे आया था, मैं ये 78 kg पे कौन से महीने आया था? ये सितंबर 3rd को फाइल पे मैं, आज है December 21st। हाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना नहीं हुआ है ना? तो कितना किलो ऊपर है अभी? 3 महीना 20 दिन पकड़ो, 95 केजी पे अभी है। कितने? 78 प्लस 90 और 17 किलो, 17 किलो ऊपर, गुड 5 के ऊपर का एवरेज है ना? वेरी गुड, माशाल्लाह। निकाल दीजिए उसको,
तीन महीना हुआ है ना? अच्छा कि नहीं हुआ? सितंबर अक्टूबर नवंबर, चार चौथा महीना चल रहा है, साढ़े तीन महीने। हाँ, तो पाँच के करीब का एवरेज है ना। दोबारा रिकवर कर रहा है, और ये कौन कितने महीने में है? ये भी सेम डेट पे आया था, ये भी सेम, ये सब सेम डेट पे आया, सब एक साथ ही आए, साढ़े चार पौने चार महीना होगा इसको। गुड गुड, लेकिन फ्रेम कितनी अच्छी, देखो ना खूबसूरती। मैं आपको वीडियो बताऊं क्या फालिश का? माशाल्लाह, बताइए फिर। हाँ, उसको डालिए। ठीक है, ये सोजत बकरा है 92.5 केजी पे। ये देखो, इसको फालिश मारी है, पीछे के कभी की वीडियो है, 17th नवंबर को मारा, नवंबर। ओके ओके ओके, हाल ही का है? हाँ, लास्ट मंथ का है। ओके ओके, कितना समय लगा इसको रिकवर करने? अभी ये वही एक डेढ़ महीना, एक डेढ़ महीना। ठीक है ठीक है, और ये है 92 पे, अपना चौपड़ी बताओगे? हाँ, किधर है फाइल? हाँ, ये देखो, ये देखो, ये किधर है? यही है। हाँ, ये देखो, ये 92 केजी वाला। कौन सा बकरा ये? कौन सा बकरा? गुजरी, वो फालिश वाला 92 पे। हाउ डू यू नो कौन सा है गुजरी इसमें? वही है ना, गुजरी है। नहीं, बट दोनों गुजरी है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि इसमें कौन सा, तो कौन सा गुजरी? 78 केजी है ना, बट हाउ डू यू नो कि दोनों में से कौन सा 78 केजी का है? दोनों गुजरी है ना। हाँ, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन से उसका है? अभी वेट के हिसाब से, अभी नाम तो नहीं रखा है उसका, इसके लिए वेट। नहीं, कोई मार्किंग वार्किंग नहीं डालते हो आप? नहीं, मार्किंग नहीं डाला है इसमें, क्या सब सेम ही है? देखो ना, क्या मार्किंग डालेंगे? एक कटी हुई सिंग है, एक ही सिंग पूरी है। ये ना, ठीक है, वैसा ये कर। ये 92 केजी वाला है। कौन सा वाला बकरा था? 92 फालिश वाला। फालिश वाला तो अभी गया है 95 ना। हाँ, तो खैर ऊपर ही आप ही है, माइनस में है फालिश। और दूसरा वाला जो है 78 पे था। कौन सी डेट है इसकी? तीन सितंबर 78। चारों तीनों सितंबर। और वो कितने पे गया? 78 से 95 अपन किए ना, 95। और दूसरा वाला भी 90? ये 96 पे 92 वाला। हाँ, और ये वाला 78 से 95। और ये सोजत है कितने पे खड़ा हुआ है? ये 93 पे खड़ा हुआ है, 92.5। ये कितने पे आया था देखिए जरा? 73 केजी पे। सॉरी, आई एम गेटिंग वेरी लॉस्ट। वाइट सोजत 90 किलो होना चाहिए ना, 85-90, क्या पता, अभी फीड दिए नहीं है ना, 85-86 आना चाहिए। तो भी कितना आया था कलीम भाई, किए थे वजन, डाले थे? तो 21 किलो, 21 केजी। 67 क्या, कितना था? 67 16 किलो ऊपर है, 16 किलो ऊपर है। तो ये कितने का एवरेज दिया है? पौने चार महीने में, चार के ऊपर। हाँ, चार महीने का 16 हो रहा है। गुड रिजल्ट, खसी बकरों का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। बाहर छोड़िए तीनों को, छोड़िए तीनों को, छोड़िए बाहर। माशाल्लाह, बकरे उन्होंने बहुत अच्छे लेके आए। हाँ, ये बनेंगे, ये ईद में अपन इनको फिर से कवर करेंगे। छोड़ो, कान छोड़ दीजिए ना आप, कान छोड़ दो दोनों का। फालिश वाला ये आगे वाला है ना, आप छोड़िए, आप क्यों मार रहे हो, छोड़िए। माशाल्लाह, बकरे बहुत अच्छे फ्रेम के इनके, एटलीस्ट 120 तो जावे, बड़ा वाला जो फालिश में नहीं है तो मजा आएगा। बकरे बहुत बड़ी फ्रेम, बड़ी हाइट के बकरे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के बकरे हैं, जाना चाहिए। वो देखो फालिश वाले को भी देखो, उछल उछल चल रहा है। आई कैन नॉट शो दैट, वो प्लेफुल है, उछल कूद मचा रहा है वो तो, माशाल्लाह। तो पलाई पे दीजिए यहाँ पे बकरे। हाँ, बकरों की देखभाल होती है अच्छी खासी। अंडुल की पलाई रेट है 3200 और खसी की
3000 बिलो 100 केजी, अबव 100 केजी 3300। एनीबडी इंटरेस्टेड, दिस इज द नंबर, कॉल मी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आरिफ भाई आपके बकरे पसंद आए आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू।